मेराल में धूमधाम से मनाया गया भारत स्वाभिमान न्यास का स्थापना दिवस। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति द्वारा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक संस्कृति की निष्काम सेवा, साधना एवं संघर्ष के 3 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मेराल प्रखंड मुख्यालय में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने योग एवं आयुर्वेद का संदेश जन जन तक पहुँचाने और योग कक्षाओं को बढ़ाने तथा स्वदेशी को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का प्रथम सत्र पतंजलि योग समिति के प्रखंड कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ आचार्य पंडित दिनेश पाठक, प्रखंड प्रभारी बलराम शर्मा, डॉक्टर विजय कुमार यादव, संजय प्रसाद, योग शिक्षक बीजेश्वर प्रजापति, SB एकेडमी के निदेशक मदन यादव, रेशम देवी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। योग कक्षा में योगिंग जोगिंग के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। तत्पश्चात भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इसके फायदे बताए गए। दैनिक योग कक्षा के समाप्ति के पश्चात हवन यज्ञ किया गया। दूसरा सत्र का आयोजन मेराल हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया, जहां विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों का अभिनंदन भारत स्वाभिमान न्यास का पट्टा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BST जिला प्रभारी नागेंद्र तिवारी ने लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी ने भारत स्वाभिमान की स्थापना जिस उद्देश्य से की थी, आज वह पूरा होता दिख रहा है। आज देश ही नहीं विदेश में भी योग शिविर लगाया जा रहा है। हर घर में योग और स्वदेशी की चर्चा हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के हौसला को बढ़ाते हुए कहा कि हम सभी को गर्व होना चाहिए कि ऐसे संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर मिल रहा है। मुखिया रामसागर महतो, भाजपा नेता संजय भगत ने आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश और दुनिया में पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा जो निःशुल्क सेवा दी जा रही है, वह राष्ट्रहित में बड़ी सेवा है। ब्रजेश कुमार मिश्रा ने योग को जीवन के लिए लाभदायक बताते हुए दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नवजीवन हॉस्पिटल के निर्देशक और धुरकी के नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार यादव एवं डॉक्टर अनुज कुमार यादव द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के बीच कॉपी कलम तथा उपस्थित करीब 300 छात्र छात्राओं के बीच कलम का वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन बलराम शर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य लालता पटेल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजेश प्रसाद, डॉक्टर लालमोहन विद्यालय के शिक्षक संजय कुमार, मनभावन यादव, अनिल ओझा, विजय प्रसाद मौर्य, रविंद्र उससे हमारा गौरव नहीं होने वाला। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य इस वर्ष नहीं पिछले गत वर्ष से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य हमारे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी जी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का पहला था कि हम शिक्षा को बदलेंगे।